और इवन चाहे आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो हैशटैग विटर, राइट, हैशटैग विटर रील्स, या फिर यूट्यूब पर भी जाकर चीजों को सर्च करते कर सकते हो। ऑलराइट, वहां पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज मिलेगी, बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी अबाउट द विटर। ओके, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी स्टार्टअप, जैसे कि विटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और उसका भी एक स्टार्टअप है, अभी ये स्टार्टअप फेज में है। ओके, और इसके अंदर अभी प्री आईपीओ स्टेजेस चल रही हैं। ओके, और किसी भी प्रोजेक्ट के प्री आईपीओ स्टेज के अंदर निवेश करना सबसे लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि जब हम प्री के अंदर इसमें जब हम निवेश करते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर कि यस प्लीज, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने निवेश किया होता है, हमारा जो रिटर्न है, राइट, हमारा जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो 200 से 300 गुना भी हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, अगर किसी भी स्टार्टअप की यस आईपीओ फेज, जब जब इसका प्री आईपीओ स्टेज खत्म होता है, देन आईपीओ फेज जब जाता है, लिस्टिंग के लिए जाता है, उस टाइम पर 1000 गुना भी हमें हमारे प्रॉफिट के रिटर्न्स मिलना संभव होता है, पॉसिबल होता है। ओके, और हाँ एक चीज मैं और बताऊंगा, सब चीजें, हर चीज, राइट, सबके लिए पॉजिटिव नहीं होता है, राइट, क्योंकि हर चीज के लिए पॉजिटिवली बोलना, पॉजिटिव रिएक्ट करना, वो एक कहीं ना कहीं एक अंधभक्ति कहलाती है, राइट, कि आंख बूंद कर, आंख बंद करके, राइट, विश्वास कर लेना मोहित जी का, विपुल जी का, या अपने अपलाइन का। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टार्टअप, दुनिया का किसी भी तरीके का स्टार्टअप होता है या कुछ भी चीज होती है, जहां पर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली जो चीजें होती है, वहां पर हर जगह पर रिस्क होता है बॉस, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, लेकिन प्री आईपीओ फेजेस के अंदर, राइट, किसी भी कंपनी का जब प्री आईपीओ, बेसिकली कंपनी पीओ ही लेके आती है, लेकिन अगर हमें आईपीओ, प्री आईपीओ स्टेजेस अगर हमें मिल जाए, तो वो ये मानिए सोने पे सुहागे जैसी वाली चीज हो जाती है, क्योंकि जब भी जो उसकी स्टेजेस होती है, जो प्रोग्रेसिव स्टेजेस होती हैं प्रोजेक्ट की, राइट, स्टार्टिंग में, जैसे कि विटर पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में इन्होंने अपना एफिलिएट स्टार्ट किया था, और 2018 में ही विटर एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड हुआ था रशिया नोवोसिब्रिस्क में। ओके, उस टाइम पे अगर हम देखें तो विटर पावर प्रोजेक्ट में, इसके एफिलिएट में, राइट, निवेश करना बहुत ज्यादा जोखिम माना जा सकता था, क्योंकि वो स्टेज वन था और पहला फेज था उसका, राइट। आज हम देखेंगे कि आज हम लोग छठी स्टेज, सातवीं स्टेज में हम लोग लीड कर रहे हैं, टोटल इसकी 14 स्टेजेस हैं, तो ये मैं कह सकते हैं कि आधी स्टेजेस लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर 50% का जो रिस्क है वो निकल चुका, मतलब कि अभी जो प्रोजेक्ट है, आगे धीरे धीरे देखेंगे ये प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। और अधिक जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास में, और आज का एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है अबाउट दी विटर पावर प्रोजेक्ट, राइट, या यूं कहें कि पायलट प्रोजेक्ट ऑफ दी विटर पावर प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। सो विपुल जी प्लीज, हुकुम सिंह राठौर जी, मोस्ट वेलकम। ऑल राइट मैन, यस, ओके सर, प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। आज की सेशन की वाकई में बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन जिस तरीके से हम लोग देने वाले हैं, तो डेली के डेली सेशन में हम लोग मिलते रहते हैं, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो पहली बार हमारे सेशन के लिए आए हैं, तो अपनी कीमती समय के लिए बहुत बहुत मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। दोस्तों आज की सेशन मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा, दोस्तों ये जो पावरफुल प्रोजेक्ट है विटर, इसके बारे में जिस तरीके से कंटिन्यू हम लोग 10 महीने से यहाँ पर लीड कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू इस सिस्टम को फॉलो भी कर रहे हैं और अपने सिस्टम के साथ में आगे भी बढ़ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी भी है जो जरूरी है कि इस सिस्टम के साथ में हम काम ही क्यों करें, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली कि हम एनर्जी के सेक्टर में अपनी कैरियर को कैसे स्टार्टिंग करें। तो ये डेली के डेली हम आपके साथ में रूबरू होते हैं, तो देखते हैं विटर पावर जो टेक्नोलॉजी है, जो वाकई में हमारे फ्यूचर के साथ में कितना बड़ा आउटस्टैंडिंग ग्रोथ हमें दे सकता है। मैं आपका गोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, तो देखते हैं इसके अंदर जो हमारे नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके लिए क्या क्या नई चीजें हैं, तो हम इतना सा जरूर जानेंगे। दोस्तों अभी
जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी की जो डिमांड है, राइट, एनर्जी की जो डिमांड है वो कैसी बढ़ती जा रही है, इनको विंड के सिस्टम से और भी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है, तो इनकी ग्रोथ एक्टिविटी दुनिया के अंदर जहां जहां भी बढ़ती जा रही है, तो इनका भी आप एनालिसिस करके देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रोथ एक्टिविटी जो कम्युनिटी है वो विंड और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है कि हम सभी लोगों को जागरूक क्यों करना चाह रहे हैं। ये केवल मैं अपने बिजनेस के स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे कि हमें अपनी आईपीओ शेयरिंग करना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च भी करके देख सकते हैं जो आज के जमाने में यहां से पहले से विंड के ऊपर या जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ एक्टिविटी को देख करके उतनी ज्यादा हम फास्ट ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। मगर अभी जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी सुपर पावर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये हमें तीन तरीके से फायदा देने का काम करेगा। नंबर एक, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा तो वहां पर ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज्यादा भूमि की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ में सबसे बड़ी भूमि ये है कि ये एक तरीके का रियल एस्टेट का उतनी ही जगह की जरूरत होती है, हो सकता है कि 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा जमीन के अंदर हम इसको, इस प्रोजेक्ट को खड़ा कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही हजारों एकड़ जमीन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो हमारी खराब नहीं होंगी। एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, पोल्यूशन यदि कंट्रोल करना है तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी छुपी हुई है जो हजारों लाखों करोड़ों युवा के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इनकम के रास्ते यहां से खुलने वाला है। तो ये जो जितनी बड़ी जो विजन मिशन जो इंडियन गवर्नमेंट का है और जो रिन्यूएबल एनर्जी विंड एनर्जी के ऊपर जो अलग अलग गवर्नमेंट यानी कि हर कंट्री के गवर्नमेंट जो इसकी डिमांड प्लस इसका जो टारगेट लेकर के काम कर रही है, तो अभी पूरी दुनिया के अंदर नंबर वन अमेरिका है, सेकेंड नंबर में चाइना है, थर्ड नंबर पे तुम्हारी जर्मनी है, राइट, फोर्थ नंबर पे इंडिया है। तो अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री जिनके अंदर इतनी बड़ी मतलब भूमिका हम लोग निभा सकते हैं, यदि वाकई में इन चीजों को सही लोगों के अंदर ये चीजें जागरूक फैला दिया जाए तो दोस्तों ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा क्लाइमेक्स अल्टीमेट यहाँ पर रोजगार का सेक्टर प्लस अपने लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट हम लोग यहाँ से पा सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है, विंड करेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से मैंने बताया, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा आपको हिडन वाला टेक्नोलॉजी नहीं है, ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी खड़ी रहेगी तो उससे क्या होगा, चारों तरफ से इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के बीच में इनके एक रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी रहेगी जो हवा के डायरेक्शन के तहत ऐसी एंगल के अंदर खड़ी रहेगी। इसके पीछे नीचे जो है एक पार्ट है जो बेसमेंट का पार्ट है जिसके अंदर न्यूडीनियम का एक बड़ी बड़ी हाई पावर बड़ी बड़ी छड़े लगी हुई है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी बड़ी हम लोग उस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पे लगा रहे हैं। तो जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी बड़ी ये मैग्नेडियम जो न्यूडीनियम की जो मैग्नेट्स है उनकी छड़े लगी होंगी। दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला जो पंखुड़िया का काम है केवल रोटेशन पैदा करना और इनके बीच में एक खिड़की लगी हुई है, इस खिड़की का काम है कि हवा को दिशा को एक ताकत पैदा करना यानी कि कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ाना। इन सब चीजों के माध्यम से दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है या हवा की वजह से कब हवा के अंदर ऊपर की पंखुड़िया को डायरेक्शन देना प्लस उनकी वजह से नीचे की जो पंखुड़िया है जिनके तहत जो बेसमेंट में जो मैग्नेट जो छड़ लगी हुई है जिसके कारण यहां पर एक चुंबकीय बल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का बेहतरीन एक नजारा हम लोग इस सिस्टम से देख पाएंगे। ये सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों। और इसमें एक कारण और भी है, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी जितनी बड़ी ये हम लोग इस टेक्नोलॉजी को हम जहां पर जितने बड़े प्लेसमेंट के साथ में खड़ा करेंगे
तो तकरीबन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो करीब 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी है। हवा की डायरेक्शन कैसे चेंज होगा इसके बारे में आप यहां से इसका नोट कर सकते हैं, और इसका जो जो विंडो है, विंडो किस तरीके से काम करेगा, इसका फ्लू डायरेक्शन यहां से आप देख पा रहे होंगे। ये छोटा सा एक पंखुड़िया लगी हुई है, पंखुड़ी के साथ में देखिए यहां पर विंडो लगा हुआ है, तो इनके फ्लू के तहत हवा की दिशा को यहां पर कंसंट्रेशन इनकी मात्रा को बढ़ा देना, तो इसके तहत कम हवा के अंदर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसी के तहत यहां पर एप्लीकेशन पॉसिबल, ये कहां कहां लगा सकते हैं, जहां गवर्नमेंट पब्लिक एरिया प्लस डिमांड की जहां पर ये रिक्वायरमेंट होगी वहां वहां हर जगह पे लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिविंग स्पेसेस है, रिटेल एंड ट्रेनिंग वेन्यूज के वहां पर डाटा सेंटर के प्रोडक्शन इक्विपमेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, ये तमाम तरीके की जगह पे हम लोग इनको स्टेबल करके लगा सकते हैं। यहां तक कि हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया, मॉल्स हो गया, बिग बाजार, स्मार्ट सिटी, हर तरीके जहां डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और आपको हमको पता है कि फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हम लोग इनको हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास बनाने की जो अलग अलग जरिया है तो उनको हम लोग किस नजर से बनाते हैं, उससे बहुत ज्यादा हमें जिसको कहते हैं पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। यानी कि डीजल पेट्रोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसके बाद कोयला से जो बनाते हैं, उसके बाद तुम्हारी हाइड्रोलिक सिस्टम से, उनके अलावा यूरेनियम सिस्टम से, ये तमाम तरह की चीजों से सारी जगह पर वहां पर पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। कहीं रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है तो कहीं पोल्यूशन बहुत ज्यादा। इन तमाम तरह की चीजों को हट करके जब मैं विंड की बात करूं तो इसके अंदर वो सारी चीजें पोल्यूशन नाम करके कोई चीज में क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो इसको देख करके हम डिमांड की मैं बात करूं, डिमांड बढ़ने के भी कारण है, कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी भी आने वाले टाइम में बिजनेस का एक दूसरा मॉडल होने वाला है। जहां पर भी ये लगेगा तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई भी कर पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो एक बिजनेस का मॉडल ही हो गया। एक ऐसा मकान, एक ऐसा घर जहां आप उस मकान को बनाते हैं तो वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के माध्यम से एक बिजनेस का मॉडल भी खड़ा हो जाएगा। ये कितना बड़ा प्रारूप हो सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जहां पर भी इनकी डिमांड होगी प्लस एक्चुअली जो बिजनेस का प्रारूप भी देखेगा तो ये बिजनेस को डेफिनेटली वहां खड़ा कर पाएगा, इस टेक्नोलॉजी को लगाएगा वो, क्योंकि ये बिजनेस का दूसरा मॉडल इलेक्ट्रिसिटी को सेल करना भी एक मॉडल हो जाएगा। इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इस तरीके का आप इनका स्ट्रक्चर आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। जिनके तो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है तो इनको आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो ये हर तरीके स्ट्रक्चर के साथ में इनको खड़ा किया जा सकता है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अलग अलग डिजाइन के साथ में खड़ा कर पाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी वाला हाउस, जो हाउस घर है, वो भी आपको अलग अलग मॉडल के आपको देखने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि जो नई मॉडल के अंदर यहाँ जो हेलीपैड सिस्टम है वो भी आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। तो ये हवा जहां जहां भी है प्लस इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां भी जरूरत है तो दुनिया के हर कोने कोने में इसको लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि आप मान के चलिए कि ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहां पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी, तो डेफिनेटली कि अभी पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन जो लमसम हम बात करते हैं तो 55 से लेकर के 66 तक की जो परसेंटेज है हम इलेक्ट्रिसिटी को भरपूर मात्रा में दे पा रहे हैं। मगर हमें पता है कि इसकी मात्रा को हो आने वाले टाइम के अंदर जो डिमांड है तो इतनी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिसिटी की आ चुकी है और हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट है पहले से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास में उतनी तरीके के जरिया नहीं है तो हमें इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो ये इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर हर जगह पे लगाया जा सकता है और हर कंट्री की इसकी जरूरत है। ये इनका एक डेमो प्रोजेक्ट है प्लस इनका प्रोटोकॉल है। यही चीज जो आप यहाँ पर आज देख पा रहे हैं यही चीज फ्यूचर के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर डिटू यही सिस्टम आप देख पाएंगे। ये अभी छोटा रूप है, ये आने वाला टाइम इसको बड़ा रूप देखेंगे। इसके बीच में जैसे हवा का ये प्रारूप होता है तो इसके बीच में पंखुड़िया की वजह से जैसी रोटेशन पैदा होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये आप लाइव स्टेशन के अंदर भी इसको डेमो करके देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि विंड और वीटर के अंदर फर्क क्या है। विंड और वीटर के अंदर केवल इतना सा फर्क है, दुनिया के अंदर बहुत ही डायनेमिक सिस्टम जिसको कहते हैं वीटर, और जो पहले से हमारे पास में मौजूद है पवन चक्की, तो इन दोनों में फर्क केवल इतना सा है कि ये टेक्नोलॉजी से भरपूर नहीं है,
इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जरूर जनरेट करते हैं, मगर इसके अंदर मेंटेनेंस प्लस ज्यादा जो प्रेशर की जो एयर है उनकी जरूरत पड़ती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की कैपेसिटी भी बहुत कम है। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज्यादा लैंड एक्वायरिंग की भी जरूरत पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग मैं वेटर की बात करूं, इतने ज्यादा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग कई गुना ज्यादा हम लोग वेटर के अंदर स्टेबल के कंडीशन में भी कई गुना ज्यादा सस्टेनमेंट है ये, राइट। और यहाँ पर ग्रोथ एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर कई गुना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी बनाने का कैपेसिटी इसमें कई गुना ज्यादा है। तो हर तरीके से परफेक्ट है और पूरी दुनिया में जब ये मॉडल पेश किया जाएगा तो नो डाउट हर कंट्री के अंदर इसकी डिमांड बखूबी तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। इस तरीके से जो इसकी जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टेग्लियर, इनकी मैं विचारधारा के बारे में दिल्ली में बात करता हूँ, फिर भी आर्किटेक्चर प्लस इंजीनियर प्लस इनके पास में जो इस सिस्टम के बारे में जो नॉलेज को लेकर के पूरी दुनिया को जो देना चाहता है, तो उनका वाकई में ये सराहनीय लायक है। इनका जो कदम है पूरी दुनिया को एक एनर्जी सेक्टर के अंदर, पूरी दुनिया का जो 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है विंड के माध्यम से कैसा दिया जाए, इस सोच विचार के साथ में पूरी टीम इनकी लगी हुई है। इनका मिशन है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे खत्म किया जाए, ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको देख करके मैंने भी ज्वाइन किया था। मैंने भी सिस्टम को बड़े लेवल पे, जब ये मेरे दिल के अंदर ये चीजें बैठी तो फिर मैं इसको बड़े लेवल पे इसको देखना शुरू कर दिया था। ये इनका पैटर्न का फाइल है, तकरीबन 75 कंट्री के अंदर लगी हुई है। और हमारे इंडिया की मैं बात करूं और पेटेंट की बिल्कुल लास्ट पोजीशन में हम लोग चलते हैं, तो हो सकता है ये कभी भी हमारे पास में इसकी इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो इस तरीके से जिस कंट्री का पेटेंट की मैं बात करूं तो काफी कंट्री का पेटेंट हमें मिल भी चुका है और काफी कंट्री का मिलने के कगार पे है। इस तरीके से हम लोग आज यहाँ के कोऑनर है, कोऑनर का मतलब शुरुआत के मालिक। तो आज जो हमारे पास में मौका है, इस मौके को लुभाने के लिए, पाने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास में जो प्लस पॉइंट है कोऑनर, राइट। तो कोऑनर की जो ताकत क्या है, कोऑनर की ताकत ये है, आज जो भी व्यक्ति हमारे साथ में इसके साथ में जो निवेश कर रहा है, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो $500 का हो, चाहे वो $50,000 का हो, चाहे $1,00,000 का हो, तो शुरुआत में सबके लिए बराबर है। यहाँ जो भी व्यक्ति अभी निवेश कर रहा है तो उस निवेश का हमारा 60% हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो जाता है, 40% हमारी इनकम के लिए एक्टिव इनकम के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो 60% की वजह से जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी तो इससे ये फायदा होगा कि उस टेक्नोलॉजी खड़ी होने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट होगा लाइसेंस बिकने के बाद में, तो टोटल यहाँ जो लोग प्री आईपीओ यानी कि 10% हमारे प्री आईपीओ बाय करने वाले लोगों के अंदर, वो जो पहला लाइसेंस बिकने के बाद में जो प्रॉफिट होगा उसका शेयरिंग प्रॉफिट दी जाएगी। ये केवल एक लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के अंदर ऐसे तमाम तरीके की लाइसेंस यानी कि तमाम तरीके की प्रोजेक्ट होंगे और तमाम जगह से इनकी डिमांड होगी। तो केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, हजारों लाखों जब इनका प्रोजेक्ट लगाना शुरू हो जाता है, हर तरीके से आपका इनकम का जरिया ये कोऑनर के लिए स्पेशल इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल वाला पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो मौका आपको अभी मिल रहा है, ये मौका कभी भी आईपीओ प्लस आपका शेयर के अंदर इतने बड़े तादाद में क्वांटिटी में आप इस शेयर को नहीं बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास में मौका है केवल देख करके जीतने का नहीं कि मेरे पास में 10 लाख शेयर है, 20 लाख शेयर है, बहुत क्वांटिटी में नहीं। अभी यदि आपने इस मौके को समझ लिया, इस पॉइंट को समझ लिया, तो फ्यूचर के अंदर ये 20 लाख आपको हल्का लगने लग जाएगा कि काश उस समय 20 लाख के बारे में ना सोच करके यदि मैं 1 करोड़ के बारे में सोचता तो शायद आज मेरे पास में 1 करोड़ शेयर का पोर्टफोलियो की वजह से मेरे पास यहां पर बोनस आता, शेयरिंग प्रॉफिट इनकम आती। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कोई आम बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इसको बना पाएगा। जिनकी सोच के अंदर वाकई में बहुत बिग थिंकिंग होगी वो इसको बड़ा करके बना सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास में हमारे पास में सोच विचार के साथ में इनको बड़े लेवल पे प्री आईपीओ बनाने का मौका हमारे हाथ में है। उसके बाद में ये जब लिस्टिंग के कगार पे जाएगा, राइट, लिस्टिंग के कगार पे जाने के बाद में डिविडेंड फंड हम सभी लोगों के लिए होगा, यहां तक कि जो लोग इनके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, जिनके पास में जो शेयर रहेगा, लाइफ टाइम यहाँ डिविडेंड फंड के लिए हम लोग यहाँ लाइवल रहेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा
यानी कि पैसिव इनकम का एक जरिया शानदार, जो जिंदगी भर हम यहाँ से फायदा ले पाएंगे। डिमांड की बात मैंने आपको बता दी है, क्योंकि 2027 से लेकर 35 तक इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड का जो मार्केट है ये बहुत ही हाई क्रिएट करने वाला है, और इसकी डिमांड को आप अपनी नजर के हिसाब से भी नोट कर सकते हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट की इतनी बड़ी विजन मिशन है कि 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से क्रिएट करना है, तो उसमें यदि विंड का योगदान यदि उसमें 60,000 मेगावाट का भी रहता है, तो दोस्तों अपने आप में कितना बड़ा लक्ष्य हो गया। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम लोग वीटर को साथ में सपोर्ट करें, तो यहाँ पर लक्ष्य 60,000 की नहीं 1,20,000 का भी हम लोग मेगावाट का हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेक्टर वाकई में उन लोगों के लिए है जो इसकी ताकत को समझ पा रहे हैं, राइट। ये कोई हल्की हवा में टेक्नोलॉजी नहीं है, और बाकायदा इनकी प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल तो हम लोग रशिया जाकर के भी देख करके आए हैं कि इसका वाकई में प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, और हम साथ में प्रोटोकॉल को लेकर के भी आए हैं। इस तरीके से इनका प्रोजेक्ट टीम न्यूज है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट इनका काम करता है, किस तरीके से ये लोग कैटलॉग प्लस न्यूज टैग न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जो हाईलाइट होती है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे सुपरवाइजरी कमेटी का एक मेला है, तो इनको आप मेले के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके लिए स्पेशल बनाए गए सभी लोगों के लिए है जो अपनी दुनिया के अंदर कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए बस इतना सा करना जरूरी है कि कंटिन्यू आप अपने लोगों को यहाँ पर बैठाएं और अपने आप को तैयार करें, और केवल जूम मीटिंग एक भी ना यहाँ पर मिस करें, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से भी है, प्लस आपके लोग आपको देख करके फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ इसी माध्यम से यदि इनको जुड़े रहे तो सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर भी आपका नाम, प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं अल्टीमेट फ्यूचर आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ कि काफी चीज आपको क्लियर हो गया, और मैं इतना सा कहना चाहूंगा जूम सेशन को कंटिन्यू यहाँ पर हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सभी हमारे कोर टीम के लिए एक बधाई के पात्र हैं। तो मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि अभी हमारे पास में वक्त है अपने आप को पहचानने का, प्लस फैमिली को एक राइट डायरेक्शन देने का। तो इसी के साथ में मैं इतना सा कहना चाहूंगा, इसके साथ में हमारा दूसरा जो पार्ट इनकम करना चाहता है, तो 60% जैसे कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है, 40% हमारा एक्टिव इनकम के अंदर निवेश होता है। तो फायदा क्या, जो भी आदमी फ्री में रजिस्ट्रेशन करता है तो उनको फ्री में 500 PIP उनको फ्री में गिफ्ट दी जाती है, और यदि यही काम हमने बोला कि हमें काम भी करना है, हमें पोर्टफोलियो बनाना है, साथ में इनकम भी जनरेट करनी है, तो भी एक पैकेज कोई भी आप अपने डॉलर का बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फैसिलिटी इंस्टॉलमेंट के लिए भी दे रखा है, और वन शॉट में भी आप इसको बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में शुरू करिए, अपने लोगों को बताइए, तो आपके पास में इनकम का जरिया पैदा हो सकता है। वो कैसा होगा, डायरेक्ट आपने जैसे किसी को बताया, तो बताने से ये फायदा होगा उसका 10% का इंसेंटिव आपको डायरेक्ट मिलता है, राइट। सेकेंड फेज के अंदर आपको इनकम आती है 5% की, 5% की इनकम आती है। थर्ड लेवल से आपकी इनकम आती है 2%, तो कुल मिलाकर के आपकी ये इनकम होती है 17%, आपका ये डिवाइड हो जाता है। बाकी का जो बचा आपका 23%, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जहां से उसने बाय की है ऊपर लेवल तक, जितने भी लोग हैं सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस बात को यदि आपको समझ में आ रही है तो मैं समझता हूँ कि ये काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी 23% को पाने के लिए वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस कहते हैं हम इसको देख सकते हैं, और कुल मिलाकर के 23% प्लस 17% आपके 40% का डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों आपका हो जाता है। तो ये एक एक्टिव इनकम के तौर पे 40% की इनकम आप हम सभी लोग यहां से पा सकते हैं, और इसी के साथ में कहना चाहूंगा उसी के साथ में पोर्टफोलियो भी आपकी जनरेट होती है, साथ में आपका इनकम भी यहाँ पर जनरेट होती है। इसी के साथ में दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, मुझे लगता है काफी कुछ आपने बेहतरीन तरीके से मेरी बातों को सुना, और आपने जो कीमती समय ये दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी की आगे की अपडेट्स के लिए मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा, और बाकी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास से लेंगे। थैंक यू मोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम लोग हैं 66 पार्टिसिपेंट, ओके।
और यस, अब बात कर लेते हैं अपडेट्स की, ठीक है। तो अपडेट्स ये है कि यस, जो कंपनी है राइट, ट्विटर कंपनी, उसका जो ऑनर है डेनिस स्टैगलिन, सीईओ कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए राइट, और जिन्होंने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, साइंटिस्ट कह लीजिए, वो डेनिस स्टैगलिन, ओके। और अभी इसका जो अपडेट ये है कि बहरीन राइट, एक कंट्री है बहरीन, गल्फ कंट्री, वहां पर भी ये अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में राइट, मल्टीपल कंट्रीज में अपने पायलट प्रोजेक्ट को ये रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। जिसमें कि दुबई तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए राइट, सेकंड प्रायोरिटी पे ये लोग, उन्होंने वियतनाम भी रख रखा है क्योंकि वियतनाम में डेनिस पहुंच चुके हैं राइट, और वहां पर भी जो भी वहां की जो गुड न्यूज होगी राइट, और वो गुड न्यूज हम लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी राइट। और यस, बहरीन, बहरीन में सर्वे हो चुका है प्लॉट का राइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है वेटर पावर प्रोजेक्ट की, ओके। और सबसे बड़ा जुड़ा हुआ अपडेट इसमें ये है कि प्लीज सभी लोग स्टेज चेंज होने के लिए रेडी रहें राइट। अब बहुत जल्दी आने वाले लगभग जो करंट वीक चल रहा है, ये तो ऑलमोस्ट फिनिश है क्योंकि फ्राइडे हो चुका है राइट, कमिंग वीक के अंदर हम लोगों को स्टेज चेंज होने का मेल आ सकता है राइट। तो ये एक न्यूज है, ओके, या यूं कहें कि ये एक अपडेट है। तो ये जो स्टेज है, जो अभी आपको $100 में कितना 34,000 जो शेयर्स मिल रहा है राइट, तो अभी इसके अंदर कुछ चेंजेस होने को देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, वो कम से कम 5% तक का तो रहता ही है राइट, और अधिक अधिक जो भी होगा वो फिर देखा जाएगा कि कितना अधिक वो लोग लेके चलते हैं। वैसे अब इस बार इतना चांस नहीं है कि इतना बड़ा मार्जिन वो एकदम से जंप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5% की ग्रोथ के साथ में ही ये चीजें स्टार्ट की जा सकती हैं, ओके। अभी आप देखेंगे कि $100 में 34,462 शेयर्स अभी मिल रहा है राइट, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जब अगर स्टेज चेंज हो तो ये शेयर्स 32,000 के आसपास ये शेयर्स रह जाए, लेकिन हाँ, प्लस जो 500 जो गिफ्टेड शेयर है वो रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, सेम इसी तरीके से जो $210 का पैकेज है, वहां पर 65,000 के आसपास शेयर्स रह सकते हैं राइट। फिर जो आपका यस, $410 का जो पैकेज है, वहां पर 2,62,000 के आसपास के शेयर्स वहां पर रह सकते हैं। ऑलराइट, $680 का जो पैकेज है, अभी वहां पर मिल रहे हैं 4,72,000, ये 4.5 लाख तक रह सकता है राइट। फिर जो $1,370 है, उसमें मिल रहा है 11,41,000, तो यहाँ पर मे बी यहाँ पर पूरा 11 लाख के आसपास की ये फिगर यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑलराइट, देन उसके बाद में $2,740 का पैकेज है, वहां पर जो 23 लाख है वो आप देखेंगे कि वो 22 लाख के आसपास, मतलब तो यहाँ पे पूरा का पूरा 1 लाख शेयर यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा राइट। तो अभी से हम लोग अपनी टीम के अंदर ये मैसेज फ्लोट करना शुरू कर सकते हैं बॉस, कि यस, स्टेज चेंज होने के लिए सभी के सभी रेडी रहें राइट, और हम सब लोगों को जो अपडेट्स मिलेगी वो हमारे मेल्स के थ्रू हम लोगों को अपडेट्स यहाँ पर मिलेगी। ऑलराइट, तो जो लोग सोच रहे हैं कि स्टेज चेंज होने के बाद में हम लोग पैकेज को बाय करेंगे राइट, तो समय रहते अगर उनके पास में एक्सेस फंड है तो प्लीज उस एक्सेस फंड को यूटिलाइज कीजिए राइट, और अपना चाहे भले वो पैकेज फुल पेड मोड पर ना हो, अगर इंस्टॉलमेंट पर भी हो तो एटलीस्ट आप अपने उस शेयर पैकेज को रिजर्व कर पाएंगे। ऑलराइट, ये चीज, और यही सेम चीज आप अपने टीम के अंदर भी फ्लोट करेंगे तो ये आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ये किन के लिए बेनिफिशियल है, जिन्होंने अपना एक टारगेट रख रखा है, जैसे विपुल जी ने बताया था राइट। अभी आपके पास, हमारे पास, सभी के पास एक मौका है कि यहाँ पर एक बड़ा पोर्टफोलियो वीडर के साथ बनाया जा सके राइट, क्योंकि ये 2022 खत्म होने के बाद में, अभी तो हम लोग फरवरी में है 2022 में राइट, कहने के लिए अभी 2022 बहुत पड़ा है, लगभग 10 महीने
पड़े हुए अभी 10 और 10 महीने, लेकिन 10 महीने कैसे बीत जाएंगे कुछ भी पता नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि आप देखेंगे इन्हीं 10 महीने के अंदर जो वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ रेट है वो 10 लेवल के आसपास पहुंच जाएगी सर, राइट। बचे हुए जो लगभग 2.5 से 3 लेवल हैं, राइट, वो अभी इसी दौरान ये सारा का सारा फुलफिल होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि 10 लेवल पार होते ही जो अभी आपको $100 में 34,000 शेयर मिल रहा है वो आपके 20,000 शेयर भी रह जाए। ओके, तो ऐसा कुछ अपडेट है, प्लीज नोटिस कीजिएगा इस चीज को। एंड यस, इंडिया में मिस्टर इंडिया है कोई, ये बोल रहा है कोई भरोसा नहीं, बहुत ज्यादा जंप करेगा, 2 जगह पायलट प्रोजेक्ट फाइनल होने जा रहा है। यस मिस्टर इंडिया सर, हो सकता है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इसी तरीके से कहा था, 5% की बोल के सीधा 33% इन्होंने ग्रोथ किया था, तो नहीं कह सकते, राइट। यहाँ पर जस्ट एक अनुमान है, ये गेस किया जा रहा है कि जनरल सी स्टेज में जब थोड़ा बहुत सडनली चेंज होता है तो वहां पे 5% का ग्रोथ देखने को मिलता है, राइट। अब वो कंपनी किस तरीके से प्लान करके बैठी है ये आपको और हमें नहीं पता हो सकता। इवन मैं सही बता रहा आपको, इवन जो इसमें बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन तक को ये नहीं पता कि डेनिस टैगलिन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कितना परसेंट ग्रोथ और इस प्रोजेक्ट को कितने बड़े लेवल पर ये एजम्पशन करके बैठे हुए डेनिस जी, राइट। तो जो भी चीजें होती हैं वो डेनिस सर ही पास ऑन करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि जितना भी वीटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलिंग कमांड्स है, राइट, वो डेनिस ने अपने पास खुद के लिए रिजर्व किया हुआ है। बाकी सारी की सारी जितने भी स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, राइट, क्रॉस चेकिंग होती है, वो भी डेनिस खुद ही करते हैं सब चीजों को। ओके, तो किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, एक अंकित सिंह है, अंकित सिंह प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, बस जो भी आपके क्वेश्चन है आप इधर अपने क्वेश्चन को पुट अप कर पाएंगे। अंकित जी प्लीज आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, मेरी अगर आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, राइट। या कोई और जिसके भी कोई भी क्वेश्चन हो वो भी अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं, राइट। कोई अगर सजेशन हो अबाउट दी वीटर पावर प्रोजेक्ट और वेरी गुड, ठीक है, प्रवीण जी भी है, पंकज मौर्य जी भी है, फंटेस्टिक। यस अंकित जी, अंकित जी मेरी आवाज आ रही है, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को फिर से। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा अपना कल मैंने परचेज किया था और अभी तक मेरा जो अपना शेयर है शेयर आईडी पे आया ऐड नहीं हुआ है अमाउंट, $410 का। चलो ठीक है, उसको मैं करवा दूँगा सर, डोंट वरी। सॉरी, उसको मैं करवा के आपको अपडेट देता हूँ सर, डोंट वरी, ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। ऑल राइट, यस प्रवीण जी, प्रवीण चौधरी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आपको, शायद मैं जानता हूँ पहले से आपको, प्रवीण चौधरी जी अनम्यूट कर सकते हैं सर प्लीज। जी सर यस मोस्ट वेलकम सर, आवाज आ रही है? यस सर, नमस्कार सर। जैसे मैं तो आप मेरे को जानते होंगे, मैं कई महीनों से जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, शायद 1-2 महीना हो गया है मुझे। बहुत बढ़िया सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि विटर में शेयर्स बाय करने के बाद जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर? सर इंटरेस्ट नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं बोला जाता सर, उसको हम लोग कहते हैं देखो जब इसका लाइसेंसिंग सेल होगा तब उसको प्रॉफिट शेयर बोला जाता है, ठीक है। अब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज फिक्स रखती है कि हमें इतना परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स के अंदर या फिर जो कंपनी के कोओनर्स हैं, राइट, उनके पास में उनके साथ ये शेयर करना है। लेट्स से ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसका 20% जो प्रॉफिट है, या यूं कहें कि 30% प्रॉफिट है, वो जो अभी कोओनर बन रहे हैं, राइट, जो भी प्री आईपीओ स्टेजेस के दौरान जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो सभी कोओनर कहलाएंगे, राइट। तो उनके साथ में जब लाइसेंसिंग सेल होने पर प्रॉफिट को शेयर करेगी कंपनी तो उसको प्रॉफिट शेयर कहा जाएगा, राइट। और इसी तरीके से जब ये शेयर आपका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको डिविडेंड की फॉर्म में वो आपको शेयर मिलेगा।
उसका डिविडेंड का पार्ट आपको ऐसे मिलेगा सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, वेरी गुड। एंड अभी चलते हैं, यस मनीष देशमुख जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को और आप पूछ सकते हैं, अपने सवाल को रख सकते हैं। मनीष देशमुख जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके निकल चुके हैं। मोक्तर अहमद, यस मनीष देशमुख जी प्लीज। यस सर। सर मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ ये सब करना है करना है करना है। जैसे मैंने इससे पहले आपसे बात किया था कि आई एम प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। डॉक्टर मनीष देशमुख पीएचडी इन इंजीनियरिंग। फैंटास्टिक सर। तो मैंने बहुत लोगों को बोला कि इसमें इन्वेस्ट करो। प्रॉब्लम क्या है सर कि 10% शेयर हम डिलीवर कर रहे हैं सबको। अभी तक इतना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, अभी तक 6-7% ही डिलीवर हुआ। यस सर बिल्कुल ठीक बात है। बाकी क्यों नहीं हो रहा है सर? इतना इतना क्यों नहीं हो रहा है? इतना अगर हम अट्रैक्टिव सारी बातें लोगों को बता रहे। हाँ? मैं मेरे कई अभी मैं टीचिंग फैकल्टी में और इंजीनियरिंग फैकल्टी में हूँ, तो इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग यानी लर्नेड लोग रहते, इनको ऐसा लगता कि अरे यार पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे, कैसे करने का, क्यों करने का। मैंने मेरे अभी 10 लोग हो गए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। मैं और लोग बढ़ा सकता हूँ, लेकिन लोगों की जो क्वेरीज है कि भाई हमको जब इसको कैश करना होगा तो हम आईपीओ आते से ही कैश कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, आईपीओ आने के बाद सर ये लिस्टिंग होने में जाएगा। हाँ। आपका आईपीओ लिस्टिंग हो जाता है राइट, लेकिन जब आपका ये जो अभी जो आपका जो प्री आईपीओ शेयर है वो जब आपका जब इक्विटी शेयर बन जाएगा तब आप इसे सेल कर पाएंगे सर। तो सर फिर इसका जो है जैसे अभी मैं मेरे भाई के लिए, मेरे सिस्टर के लिए, मेरे बेटों के लिए, मैं मेरे अकाउंट से ही कर रहा हूँ सबका, सबका ईमेल आईडी वगैरह अलग अलग दिया है। लेकिन फिर जब ये लिस्टिंग होगा और हर एक को अपना अपना कैश करना है तो इनका कुछ बैंक अकाउंट, इनके अकाउंट में कब पैसा जाएगा? मैंने तो मेरे अकाउंट से कर दिया सबका, ठीक है ठीक है। मुझे ये मौका कब मिलेगा कि मैं इनका अकाउंट नंबर दूंगा कि ताकि आने वाला जो प्रॉफिट है इनके अकाउंट में जाएगा, ये कब होगा? जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका आंसर ना देखिए अभी एक सेकंड, ओके मैं दे देता हूँ इसका आंसर। देखिए सर, जब ये शेयर आपका लिस्टिंग होगा ना, लेट से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होता है, तो इसके जो लिस्टेड ब्रोकर्स होंगे राइट, तो ब्रोकर्स आपको डीमेट अकाउंट, कंपनी आपको उस लिस्टेड ब्रोकर्स के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके देगी राइट सर। उसको आप जब सेल करेंगे तो आपका यूएस डॉलर या यूएसडीटी फॉर्मेट्स में आपको रिसीव होगा राइट। उसको आप डायरेक्ट, अगर उसके अंदर फैसिलिटीज होगी कि आप वहां पे सेल करके डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं राइट, अगर वहां पे रेमिटेंस इंटरनेशनल रेमिटेंस अलाउ करेगा तब, अदरवाइज आपको यूएसडीटी को लोकल एक्सचेंजेस पर लेके राइट, जब आप लेके आएंगे तो उधर से आप उसको सेल करके अपने अकाउंट। नहीं प्रॉब्लम क्या है सर, जिनको मैं बोल रहा हूँ उनको क्या लगता है कि मार्केट में जब रेट मिलेगा तब कैश कर लो, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना नहीं चाहते। जब बेनिफिट हो रहा है तब कैश कर लो, ऐसे लोग है मेरे साथ। ठीक है ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज कि यहाँ पर तो सर आपको वेट करना ही पड़ेगा। मैं उनको वही बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि मुझे लॉन्ग टर्म, आई एम रनिंग 57 टुडे, ठीक है, मैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। लेकिन मेरे साथ जो लोग है वो यंग है, उनको लगता कि हमको कुछ इनकम हो तो very good. अगर रेट बढ़ता है तो हमें अभी कैश करना है तो होगा क्या? तो इसका डीमैट अकाउंट कब ओपन होगा, हमारा बैंक अकाउंट नंबर कब मांगेंगे? मैं बता देता हूँ। आप अपना नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी ड्रॉप कर देना चैट बॉक्स के अंदर राइट, और मैं फर्दर आपको डिस्कस करके बताऊंगा। लेकिन अभी जो आपका जो आंसर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस शेयर को जो आपका प्री आईपीओ शेयर है इसको आप लिस्टिंग के बाद ही सेल आउट कर पाएंगे सर, चाहे भले इसका लिस्टिंग से पहले, चाहे भले इसका लिस्टिंग से पहले $10 रेट हो जाए सर। नहीं नहीं, ये मुझे मालूम है, मैंने उनको भी बताया।
हाँ मुझे मालूम है, मैंने उनको भी बताया, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि लिस्टिंग होते से ही अगर हमको रेट मिल रहा है तो हम कैश कर लेंगे, ऐसा उन लोगों को लगता है। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मुझे खुद के लिए नहीं करना है, मैं मेरे बच्चों के लिए कर रहा है। राइट ठीक है बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन कॉल, आप उधर ड्रॉप कीजिएगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सर, बहुत धन्यवाद सर। देखिए तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, 81 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो यहीं से पता लगती है कि हमारे साथ में पीएचडी होल्डर्स प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, राइट, और मिनिस्टर्स भी हैं मिनिस्ट्री के अंदर, ऐसे ऐसे लोग जब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही वर्थफुल है, इससे ये तो पता लग गया, राइट। और ये काम, ये जो हमने जो कारवा खड़ा किया है वो एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए हमने 10 महीने यहाँ पर अपना समय, नियमित समय, जो पहले 9 बजे का मीटिंग का था अभी उसको 8 बजे करके लेके आए हम लोग सर्दियों में, और अभी हम लोग इसको 8 बजे ही रन करेंगे। तो कोई भी चीज एक दिन में पॉसिबल नहीं होती, उसमें समय लगता है, राइट। और यस, स्टेबिलिटी, जो आपकी स्टेबिलिटी होती है और जो आपका एक प्रोजेक्ट के प्रति जो डेडिकेशन होता है वही आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देता है, वही आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है, राइट। आपका डेडिकेशन और आपकी स्टेबिलिटी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करता है। ओके मोहम्मद अख्तर जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी मोख्तर अहमद जी, प्लीज अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। मोख्तर अहमद, यस सर, वेलकम सर। अरे हमारी आवाज, यस सर। विपुल जी मुझे ये बताइए, मैंने शेयर तो बाई कर लिया है, हाँ, लेकिन मैंने कोई मेंबर नहीं बनाया है, तो इसके लिए क्या है कि मेंबर बनाना कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है, आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप प्रोजेक्ट के अंदर एज ए इन्वेस्टर आए हैं तो इन्वेस्टर को, राइट, हाँ, लेकिन आपके लिए भी और सबके लिए समय सीमा दी गई है कि हमें जो पहला यहाँ से प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, देन उसके बाद में जो प्रॉफिट आएगा वो डिविडेंड की फॉर्म में आएगा आफ्टर लिस्टिंग, राइट। लेकिन तब तक हमें इंतजार करना होगा, अगर हम किसी को इन्वाइट नहीं कर रहे तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम इस सिस्टम के अंदर एज ए इन्वेस्टर आए हैं सर। नहीं, अगर हम मान लीजिए इन्वाइट किसी को करते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या हो सकता है? हाँ, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं तो जितना वो निवेश कर रहे हैं उसका 10% जो है आपको एफिलिएट इनकम आपको जनरेट होगी वहां से। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने बाई किया है तो जब प्रॉफिट स्टार्ट होगा, जैसे आपने कहा कि लाइसेंस क्या हो जाने के बाद, जी, तो उस वक्त आपको जो प्रॉफिट मिलेगा तो मतलब उसका हमको वेट करना पड़ेगा। यस, एज ए इन्वेस्टर तो आपको तब तक वेट करना ही पड़ेगा, और ये समय सीमा लगभग 2024 तक है सर, ये 2024 से आपको प्रॉफिट शेयर आना शुरू हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 2023 के लास्ट से ही ये चीजें आना शुरू हो सकती है सर, प्रॉफिट शेयर। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं, ये इसकी लिस्टिंग कब तक होने के चांसेस है सर? लिस्टिंग 2025 के बाद में और 2027 तक, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगा 27 से? सर देखिए, ये तो पूरा का पूरा मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है उससे पहले हो सकता है उससे बाद भी हो, या फिर हो सकता है कि 2027 में भी ये लिस्टिंग के लिए जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अपना पूरा का पूरा रेवेन्यू, राइट सर, अपना टर्नओवर दिखाना होता है सर, ठीक है, और वो एक टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, जब तक वो उनकी फुलफिल नहीं होगी सर तब तक वो लिस्टिंग के लिए नहीं जा पाएगा। अच्छा, राइट, हाँ जी। अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, जो क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, साथ में अभी कंपनी 2023 के जैसे ही ये पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है लाइसेंसिंग सेल करना शुरू कर देगी कंपनी, क्योंकि उसको टर्नओवर बढ़ाना है, राइट सर। लाइसेंसिंग सेल करेगी तो सेम टाइम पे वो आईपीओ भी लेके आएंगे, आईपीओ से भी कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, और जिनका लाइसेंस सेल होगा वो कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग्स वो स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी होंगे, राइट, जब वो पूरा का पूरा पोजीशन फॉर्मेट में आएगा तब उसके अंदर कंपनी को और इनकम होगी, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो टर्नओवर है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी, राइट सर। 21,000
सॉरी यस, इसका कुछ लमसम आइडिया है सर, राइट है, 1,000 करोड़ का जब इनका टर्नओवर आएगा, राइट सर, अच्छा, तब ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसको लेके जाएंगे, क्योंकि इनके जो शेयर्स हैं आप देखेंगे 49% शेयर्स ये डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, जिसमें से 10% जो शेयर 31.4 बिलियन शेयर प्री आईपीओ शेयर हैं, जो कि लगभग 2024 तक खत्म हो जाएंगे, ओके, और आप देखेंगे कि इसमें बाकी के बचे 39% शेयर वो आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ले देके कम से कम 50 सेंट पे जाके वो आईपीओ के टाइम पर ये रिलीज करेंगे, और जब इसका लिस्टिंग होगा तो बेयर मिनिमम कॉस्ट होगी उसकी सर $1, राइट, $1 75 रुपीज इंडियन, हाँ आप ऐसे कह सकते हैं सर कि $1 इसका मिनिमम लिस्टिंग कॉस्ट होगा, राइट, और आप ये देखिए कि इसके अंदर 341 बिलियन शेयर है सर, ओके, राइट सर, तो 341 का मतलब क्या हो गया, यस 170 बिलियन शेयर की कॉस्टिंग, मतलब $170 बिलियन कंपनी के पास होना चाहिए, राइट, तब जाके ये उधर लिस्टिंग होगा सर, आप इसको ऐसे भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है सर, तो अभी समय है नो डाउट, लेकिन हमारा प्रॉफिट शेयर ये जरूर है कि 2024 से हमारा हमें मिलना शुरू हो जाएगा सर एज ए इन्वेस्टर, ओके ओके, ठीक है सर, ओके ओके अहमद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद, यस मिस्टर सोहन लाल जी, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको मिस्टर सोहन लाल जी, और देन उसके बाद में आज हम आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे बॉस, राइट, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का आवाज आ रही है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज सर, मैं ऐसे बोला था कि जैसे मैंने इसमें आईडी लगा के अपना काम स्टार्ट किया है, हाँ, और नए लोगों को मैंने अभी किसी को ज्वाइन हुआ नहीं, अभी तो लोगों को मैंने बहुत मतलब मैसेज भी किया और उनको बोला भी है, तो नए लोग मतलब ज्वाइन नहीं हुए, तो उसके लिए मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा आगे, अगर नहीं हुए तो, हाँ अगर नहीं हुए तो कोई नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा सर, ठीक है, जो बेनिफिट जो प्रॉफिट शेयर बेनिफिट जो हमें मिलेगा वही आपको मिलेगा, राइट सर, तो आपको वेट करना पड़ेगा 2024 तक, 2024 मतलब अगर बीच में इसके हाँ तो उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलेगा सर, ठीक है ना, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ओके ठीक है वेरी गुड, ऑल राइट मिस्टर जफर अथर, ओके प्लीज अनम्यूट कीजिए सर अपने आपको, मिस्टर जफर सर अनम्यूट कर सकते हैं, ऑल राइट, बाकी हमारा आज का सेशन ऑलमोस्ट फुलफिल है, कंप्लीट है, राइट, होपफुली आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आई होंगी, राइट, क्योंकि सब चीजें टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, राइट, और कैलकुलेशन बेस है सब कुछ, तो थोड़ा सा समय लगता है समझने में समझाने में भी, ऑल राइट, जितने अच्छे से आप अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अपनी टीम को आप गाइड करेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा ये बिजनेस करना, राइट, और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको घर से बाहर बहुत कम निकलना पड़ता है, मोस्टली जो टास्क है मोस्टली जो काम है वो आपको फोन कॉल्स और जूम पर ही हो जाते हैं, राइट, मंगेश लोखारे जी प्लीज कल हम लोग एक बार चीजों को करेंगे, ऑल राइट, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे बॉस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, धन्यवाद।